बिहार के सहरसा से हमारे साथ है संवाददाता मुकेश कुमार सिंह। अशुद्ध पेयजल पीने से राज्य के 90% लोग होते हैं बीमार। सरकार ने उठाया बड़ा कदम, हर घर में नल द्वारा शुद्ध जल पहुंचाने का लिया संकल्प। मंत्री विनोद कुमार झा ने कहा, सहरसा जिले के ग्रामीण इलाकों में स्थित हर घर को शुद्ध पेयजल आपूर्ति योजना के तहत नल का जल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। 2 वर्षों के अंदर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी की व्यवस्था की गई, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है, क्या इस बार भी वही हस्त होगा क्या? ये तो समय बताएगा, लेकिन पुरानी जल आपूर्ति योजनाओं में 138 मिनी जलापूर्ति योजना पूर्व से यहाँ संचालित है, जिसमें से 110 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 28 निर्माणाधीन है, हमने कहा कि उसके त्वरित पूरा करिए। इसके अतिरिक्त 12 सीधी जलापूर्ति योजनाएं यहाँ चल रही थी, 11 जल मीनार थे विभिन्न जगहों पर, लेकिन वो स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जल देते थे। लोगों की सरकार की मंशा ये थी कि लोग स्टैंड पोस्ट पर जाकर पानी भरकर अपने घर में ले जाएंगे और वहाँ अपना शुद्ध जल पिएंगे, लेकिन हमने निर्देश दिया है कि अब भविष्य में एक भी स्टैंड पोस्ट नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इससे सड़कों की बर्बादी होती है और उचित रखरखाव नहीं होता है। अब सिर्फ घरों को नल दी जाएगी और उनकी जो क्षमता है उसके अनुरूप DPR तैयार कर लिया गया है, और इसी वर्ष हम उन 12 पुरानी जलापूर्ति योजनाओं से हर घर नल देने का संकल्प लिया है। जो और इसी दिशा में PHED ने सहरसा जिले के ग्रामीण इलाकों के हर घर में विभाग के खर्चे से हर घर नल से जल देने का संकल्प लिया, और ये निःशुल्क होगा और अगले 5 वर्ष तक उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ये विभाग का लक्ष्य। धन्यवाद मुकेश कुमार जी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर।